Hey guys, it's Shobhata Vasu and welcome to my art channel, Music Art. आज मैं बहुत ही सिंपल एंड प्रीटीस्ट पेंटिंग बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। Come on, let's make it. मैं यहाँ पर एक ओल्ड फ्रेम को यूज़ करने वाली हूँ, यानी कि फोटो फ्रेम। तो उसका साइज़ है 3.5 × 5 cm। तो अभी मैं उसके साइज़ के हिसाब से एक पेपर कट करूँगी। तो उसके लिए मैं अपनी एक पुरानी ड्राइंग कॉपी की पेज लूँगी। तो यह है मेरी एक पुरानी ड्राइंग कॉपी। तो अभी मैं पेपर कट करने वाली हूँ। चमचे काटे। तो फाइनली मैं इसके ऊपर पेंटिंग बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं एक रफ स्केच बनाऊंगी, वो भी पेंसिल से। तो ये है इसके फाइनल लुक। तो अभी मैं इसके ऊपर कलर करूंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कैमल आर्टिस्ट के एक्रिलिक पेंट्स यूज करूंगी। तो सबसे पहले मैं फ्लावर्स बनाऊंगी। एक एक करके मैं यहाँ पर फ्लावर्स बना रही हूँ, लेकिन हमें ध्यान रखना है कलर के साथ पानी मिक्स करके हमें यूज करनी है। अभी मैं कुछ पत्ते यानी कि लीफ बनाऊंगी। पेंटिंग में और भी ज्यादा डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ। कलर्स हो जाने के बाद अभी मैं इसको हाईलाइट करने के लिए एक ब्लैक पेन यूज करूंगी। एंड ब्लैक पेन से मैं फाइनली फेस की जो आउटलाइंस थे उसको बना रही हूँ, यानी कि लाइन आउट। तो ये है इसके फाइनल लुक। टेंटेना, हाउ इज इट? है ना ये बहुत ही ब्यूटीफुल। अभी बारी है सेकेंड आर्टवर्क बनाने की। तो यहाँ पर मैं एक एम्प्टी कंटेनर लूंगी एंड उसके ऊपर मैं यहाँ पर एक बॉल्स यूज कर रही हूँ। एंड उसके बाद रोप यूज करूंगी बॉटल के टॉप में एंड उसको मैं फेविकॉल की हेल्प से लगाऊंगी। इसके ऊपर मैं ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ, यानी कि ग्रीन एक्रेलिक कलर। कंटेनर के ऊपर अभी मैं फ्लावर्स बनाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक येलो फ्लावर बना रही हूँ। Thank you.
फ्लावर्स बन जाने के बाद अभी मैं ग्रीन कलर की हेल्प से कुछ लिप्स बनाऊंगी एंड कुछ ग्रैशेस भी बनाने वाली हूँ। तो अभी मैं इसके ऊपर पानी डालने वाली हूँ एंड आई थिंक तुम ऑलरेडी गेस कर चुके हो कि इसके ऊपर मैं और क्या करने वाली हूँ। इसमें अभी मैं एक पेड़ रखने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पर एक मनी प्लांट यूज कर रही हूँ।